देश के जिन दस राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है उनमें से छह में बीजेपी की सरकार है या फिर वह क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है आर्थिक सुस्ती के बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सी के बेरोजगारी से जुड़े ताजा सर्वे के आंकड़ों से ये बात सामने आई है सी के सितंबर के डाटा के मुताबिक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है सर्वे ऐसी सामने आया है की बीजेपी शासित हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखण्ड बिहार और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है बीजेपी शासित इस राज्य में इकतीस दो प्रतिशत बेरोजगारी दर है इसके बाद दिल्ली में बीस दशमलव चार तो वहीं हरियाणा में बेरोजगारी का दर बीस दशमलव तीन प्रतिशत है वहीं टॉप टेन में शामिल अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश पंद्रह दशमलव छह प्रतिशत पंजाब में ग्यारह दशमलव एक प्रतिशत झारखंड में दस दशमलव शून्य नौ प्रतिशत बिहार में दस दशमलव तीन प्रतिशत छत्तीसगढ़ में आठ दशमलव छह प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में आठ दशमलव दो प्रतिशत बेरोजगारी है बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत आठ दशमलव एक आठ प्रतिशत है भारतीय राज्यों के इस मासिक सर्वे में 43,600 हजार छह सौ घरों को शामिल किया गया था त्रिपुरा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव आठ गुना अधिक है जबकि दिल्ली और हरियाणा की दरें राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव पाँच गुना अधिक है बात करें दक्षिण राज्यों की तो यहाँ पर बेरोजगारी उत्तर भारत के मुकाबले कम है कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे कम बेरोजगारी दर है कर्नाटक में तीन दशमलव तीन प्रतिशत तो तमिलनाडु में एक दशमलव आठ प्रतिशत बेरोजगारी दर है गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और दोनों ही राज्य में सत्ता बीजेपी की थी